आप सभी को मेरा जय श्री राम। ये इस YouTube चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो होने वाली है और अभी तक मैं सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करती थी, आज से मैं वीडियोस वीकली अपलोड करूंगी। तो सबसे पहली वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं इस चैनल के बनने से लेके इसके ग्रो होने तक की स्टोरी को शॉर्ट में बताऊंगी। प्लस मैं आगे आने वाली वीडियोस में कौन से टॉपिक्स लूंगी उसका एक छोटा सा आइडिया देना चाहती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने लोगों ने जो इसको सब्सक्राइब किया, लाइक किया, बढ़ाया, इससे एकदम क्लियर है कि लोगों में धार्मिकता आगे बढ़ रही है और इसका पूरा श्रेय हमारे संतों को जाता है, हमारे महाराजों को जाता है, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को फिर से पुनर्जीवित किया है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि और बहुत सौभाग्यशाली फील करती हूँ कि मैं इस टाइम पे हूँ, क्योंकि ये कलयुग का स्वर्णिम काल है और मुझे नहीं पता आगे भक्ति कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी। बट हाँ, आगे आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है, पर हम बहुत लकी हैं कि इस वक्त भक्ति सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हर कोई भक्ति का चैनल बना रहा है, हर कोई भक्ति में खुद भी आ रहा है। और ये चैनल मैं चला तो रही थी, पर मैं नहीं चला रही थी एक्चुअल में। ना मेरा इसको बनाने का कोई एम था, ना मैंने कभी सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी या मैं कोई चैनल बनाऊँगी। इसका सारा क्रेडिट भोलेनाथ जी को जाता है, इसी वजह से इस चैनल पे मैंने ऑनर भी उन्हीं को लेकर रखा है। मेरा करियर दूसरी डायरेक्शन में था, है एक्चुअल में मेरा एम कहीं और है, बट मैं क्यों यूट्यूब पे आ रही हूँ ये तो भोलेनाथ ही जाने मुझे वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। बाकी अब मैं इस चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा सिर्फ एम था इसको सीखने का, क्योंकि मेरी दीदी भी यूट्यूब चैनल चलाना चाहती थी तो मैं उसके लिए सीख रही थी कि इस पर वीडियोस कैसे चलती हैं कैसे नहीं चलती हैं। उसके लिए मैं बस वीडियोस डाल रही थी अपना, जो मैं मंदिर गई थी वहाँ का मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, एक दिवाली वाला वीडियो अपलोड किया था, फिर बाद में उसको हटा दिया क्योंकि वो इसके थीम से मैच नहीं कर रहा था। इसी तरह और भी वीडियोस मैंने डाले। और एक बार मैं जब मंदिर जाती थी शिव जी के, वहाँ पे एक आंटी ने मुझे बोला कि कीर्तन है बेटा, तुम भी आना। तो वो मेरी लाइफ का पहला कीर्तन था और इस कीर्तन की भी मैंने वीडियोस डाली, उसके पहले भी कुछ धार्मिक वीडियोस डाली थी। उस कीर्तन की वीडियो और एक शिव जी की वीडियो के बाद से ये चैनल ग्रो होना शुरू हो गया। वहाँ से मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मेरा करियर बन सकता है, मैं गलत डायरेक्शन पे जा रही हूँ। बट फिर बीच में ऐसा मेरा डाउन गया है, लाइफ का ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि थोड़ा सा मतलब वो अच्छे भी थे, बट हमें बाद में पता चलती हैं चीज़ें कि वो अच्छी हैं, जो हो रही हैं वो अच्छा है, ये चीज़ें हमें बाद में पता चलती। उस वक्त मैं काफ़ी डाउन फेज में चली गई थी तो ना मैं वीडियोस अपलोड करती थी ना मैं इस चैनल पर ध्यान दे रही थी। फिर सडनली ये चैनल अचानक से फिर अपने आप से ग्रो हो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं बाकी सब छोड़ देती हूँ, मैं वीकली एक वीडियो तो यहाँ पर अपलोड करूँगी क्योंकि मैं सारा टाइम भक्ति में ही देना चाहती हूँ, पर ये प्लेटफॉर्म मुझे शायद इस भक्ति में और आगे बढ़ा दे। क्योंकि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, पर जो भगवान चाहते हैं वही सर्वोत्तम होता है। इसलिए जो अगर प्रभु कह रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए तो मैं चलाऊंगी, वो चाहेंगे तो बंद हो जाएगा। मुझे कोई भी मतलब इतना मेरी भावनाएँ नहीं जुड़ी हुई हैं, मैं बस अभी तो धार्मिकता को फैलाने के लिए यूट्यूब चैनल चला रही थी। बाकी अगर भगवान चाहेंगे तो मेरा करियर यहीं पे बन जाएगा, अगर आप लोग चाहेंगे। बाकी मुझे नहीं पता कल कैसा होगा। और यूट्यूब चैनल का तो मैंने बता दिया, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है प्रविता और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। हाँ जी, उसी उत्तर प्रदेश की जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और जहाँ पे हमारे कल की अवतार भी जन्म लेंगे। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें इतनी पवित्र धरा पे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है और 2024 में तो हमारा राम मंदिर भी बनने वाला है, ये अति सौभाग्य की बात है। और सबसे अच्छी बात मैं कहना चाहूँगी, जिसके लिए मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि भगवान जी ने मुझे इस टाइम पे जन्म दिया। 2020 से 2023 में जो लोग भक्ति में लग गए ना वो बहुत लकी हैं, क्योंकि सच में जैसा कलयुग चल रहा था ना, भक्ति बहुत डाउन चली गई थी, बहुत ज़्यादा डाउन। और इतना ज़्यादा भक्ति का बढ़ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मुझे खुद भक्ति में आके इतना अच्छा आनंद मिला है, जो सुख कभी किसी चीज़ में नहीं मिला था वो सुख इस भक्ति में आके मिला है। और बहुत कुछ जानने को मिला है,
उसी पे मैं वीडियोस बनाऊंगी। वैसा तो मैं कोई ज्ञान नहीं देना चाहती क्योंकि मेरे पास ज्ञान है ही नहीं, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ आगे आने वाली वीडियोस में। और थैंक यू सभी लोगों को जिन्होंने इस चैनल को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। सत्यता इसी चीज़ में है कि वो सब चाहते हैं कि धार्मिकता आगे बढ़े। हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब की वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। जितना आप ज़्यादा लाइक करोगे, जितना आप सब्सक्राइब करोगे, उतनी ही धार्मिकता आगे बढ़ेगी। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है। आप चाहो तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। आप अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं या किसी और चीज़ को, ये आप तय कर सकते हैं। बाकी मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं इष्ट देव के बारे में कुछ कहूँगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। बाकी तो सभी जानते हैं इष्ट देव के बारे में, धार्मिक हो के सब इतना सब जान चुके हैं यूट्यूब के माध्यम से। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं अपने इष्ट देव तक कैसे पहुँची। और इस इंट्रोडक्शन वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।